जेड प्लस सिक्योरिटी, 58 कमांडो, पुलिस और सीआरपीएफ का घेरा। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जम्मू पहुंचने पर यात्रा और राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत हुआ। इस बीच कांग्रेस सांसद की सुरक्षा को लेकर ऐसा घेरा तैयार किया गया है कि परिंदा भी पर ना मार सके। कन्याकुमारी से शुरू हुआ भारत जोड़ो यात्रा का सफर जम्मू पहुंच चुका है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट हैं और इसी के मद्देनजर सुरक्षा का खास प्लान तैयार किया गया। पठानकोट से भारत जोड़ो यात्रा कठुआ के लखनपुर बॉर्डर से जम्मू में एंटर हुई। कैसी है जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। राहुल गांधी को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, 58 कमांडो, 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 6 पीएसओ एक समय में राउंड द क्लॉक, 24 जवान दो एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक, 5 वॉचर्स दो शिफ्ट में तैनात रहते हैं। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर तैनात रहता है। उसके कुछ दिन का पड़ाव जम्मू के अलग अलग जिलों में है और उसके बाद कश्मीर की वैली में वो दाखिल होंगे। 3-4 दिन का जो उनका हिस्सा है वो कश्मीर की तरफ होगा। उसके ऊपर भी चर्चा हुआ है। सुरक्षा की जितनी जरूरतें हैं उनके मुताबिक हर जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मुकम्मल तौर पर करेंगे। क्या सर उनको बाईफुट यहाँ पे चलने की इजाज़त होगी? देखिए वो चीज़ें अच्छे से रेगुलेट की जाएंगी क्योंकि ट्रैफिक भी चलती है, बाकी चीजें भी हैं। राहुल गांधी को लेकर एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं। आईबी के थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल राजौरी में हिंदू परिवारों पर आतंकी हमले होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। वहीं इंदिरा और राजीव गांधी की हत्या की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भी एजेंसियां राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वीआईपी जहां ठहरेंगे वहां आने जाने वाले लोगों के लिए 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग करने वाले जवान तैनात रहते हैं। इसके साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेन 6 ड्राइवर होते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस समय पैदल यात्रा कर रहे हैं तो भी उनके साथ गाड़ियों का काफिला हर वक्त मौजूद रहता है। सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक की थी। इसके बाद एक एडवाइजरी जारी की गई और राहुल गांधी को यह सलाह दी गई कि वो इनर घेरे में जान पहचान वाले लोगों को ही शामिल करें। यात्रा घाटी के कुछ ऐसे रास्तों से गुजरेगी जो संवेदनशील हैं। ऐसे इलाकों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी। 17 जनवरी को होशियारपुर के दसोहा में जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे तभी एक युवक 3 लेयर की सुरक्षा तोड़ते हुए उनके पास आ गया था। इसी तरह लंच ब्रेक के समय भी एक शख्स उनके पास जा पहुंचा था। इस बीच राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। नफरत फैल रही है, डर फैल रहा है, भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जा रहा है और इससे देश का फायदा नहीं हो रहा।